अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक सवाल ये है, क्या खाना खाने के शुरू और आखिर में थोड़ा सा नमक खाना सुन्नत है और किसी रिवायत से ये साबित है या नहीं है? तो इसका जवाब ये है, नमक से खाने के आगाज़ और इख्तिताम को फुकहाए कराम ने खाने के आदाब में शुमार किया है और इसकी बुनियाद बेहक़ी शरीफ की रिवायत है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि जिस शख्स के खाने की इब्तदा नमक से हो वो 70 बीमारियों से महफूज रहता है। इसी तरीके से इब्न माजा में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सालनों का सरदार नमक है। अलबत्ता खाने की इब्तदा और इंतहा नमक के साथ करने को सुन्नत नहीं कहा जा सकता और इस सिलसिले में नकल की जाने वाली रिवायात मुहद्दिसीन के उसूलों के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।